सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज हमें जिस शरीर पर बॉडी पर घमंड है, एक दिन मरने के बाद वो आत्मा धनवान की साइड या अब्राहम की साइड चली जाएगी। अगर बिना उद्धार ही के मर गए तो सीधा सीधा नर्क में जाना पड़ जाएगा, वो भी अनंत काल के लिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अभी समय है, छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है और वही तीर शैतान मसीहों के ऊपर चलाता है और वह मसीही बड़े आराम से पाप में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है तो सुनो, क्योंकि उसके अंदर वचन ना होने के कारण, वचन की गहराई ना होने के कारण वह मसीही शैतान की जाल में फंस जाता है। और जो मसीही अपने मुंह से गंदी बातें निकालते हैं और एक दूसरे के लिए गालियाँ देते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूँ, जैसा मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो आप अपने मुँह से गंदी बातें निकालते हो और एक दूसरे के लिए गाली देते हो, तो सुनो, जब परमेश्वर न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा, तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर उसे नर्क में डाल देंगे। और एक बार उस नर्क में चले गए, न वहाँ आग बुझेगी और न वहाँ कीड़े मरेंगे। अभी मौका है, मन फिरा लो। क्यों नर्क में जाना चाहते हो भाई? वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए और युगानियों के लिए डाल दिया जाएगा। पहला तिमिथियुस 4 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्योंकि आज के संसार में शैतानी दुष्ट आत्माएं अपना तीर मसीहों के ऊपर चला रही हैं और उसे वेध कर चली जाती हैं। वो शैतान जो स्वर्ग में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया करता था और परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था, और परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, और वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं बन गई हैं जो इस संसार में अपनी जगह बनाकर बैठ गई हैं। और आज सारा का सारा संसार दुष्ट की आराधना कर रहा है, और आज सारा का सारा संसार दुष्ट के उसमें पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया था। जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा, तब तक शैतान को नहीं हरा पाओगे किसी भी तरीके से। इसलिए अभी सभी लोगों से बताया जा रहा है कि पाप मत करो, यीशु पे विश्वास कर लो, पाप मत करो। आशीर्वाद के 16:3-6 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं का लहू बन गया, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे इस पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जाओ मेरे प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो, जिस नल से आप पानी निकालते हो उससे खून निकलेगा। जब 4th कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेला जाएगा, तो क्या होगा बताता हूँ। 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा इस पृथ्वी पर। उस समय जिस हैंड पंप से आप लोग पानी निकालते हो उससे खून निकलेगा। तालाब में पानी लेने जाएंगे, वहाँ पानी नहीं लहू मिलेगा, लहू। नदियों में पानी लेने जाएंगे, पानी नहीं लहू मिलेगा। नालों में पानी लेने जाएंगे, पानी नहीं लहू मिलेगा। चारों तरफ परमेश्वर पानी की जगह लहू बना के रख देगा। पानी की जगह खून पीना पड़ेगा, प्यास के मारे आपकी जी बैठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस 7 वर्ष में। उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर का कहर बरसेगा, कहर। और पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि है पवित्र जो है और जो था, और तू न्यायी है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू ही पिलाया है, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। आज मसीह विश्वासियों को सताया जा रहा है, पुलिस वाले प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, पास्टरों को मारा जा रहा है, और इन लोगों को परमेश्वर लहू ही पिलाएगा, बहुत तड़पाएगा परमेश्वर। और जो यहाँ गलती से कोई रह जाएगा, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएगा, कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ रह जाएगा, तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। और उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा,
तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नर्क में फेंक देंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। अभी समय है, अपना मन फिरा लो। क्यों नर्क में जाना चाहते हो भाई? वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए और युगान युग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नर्क का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। तो जय मसीह की आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ आत्माएं बच सकती हैं। ओके, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।